वेलकम टू कैप्टन एक्शन फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स, जो रबी की फसलें हैं उनमें जो रोग लगते हैं उन रोग के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और उससे पहले प्लांट पैथोलॉजी हमने देखा था। देखो, आपका पेपर दो सेक्शन में है। सेक्शन वन जो है उसमें आपके यूनिट ई है, और यूनिट ई आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन टॉपिक हैं। तीन टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो प्लांट पैथोलॉजी जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और उसके बाद में डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स, जो आज मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। ट्वेल्थ क्लास में भी ये तीनों चैप्टर हैं, एक तो डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप है और डिजीज ऑफ रबी क्रॉप है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। करें स्टार्ट वीडियो को। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। इंडिया के जितने भी कोने हैं सब में वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर कोई पूछे क्या चल रहा है तो आंसर देना है कि कैप्टन एग्रो के वीडियोस चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लो बालकों और बालिकाओं। हेडिंग क्या डालोगे, डिजीज, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी आपका दोस्त है जो टेलीग्राम ग्रुप को संभालता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स हम पढ़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो ध्यान दो, यहां पर सबसे पहला जो रोग है, सबसे पहला रोग वो है रस्ट ऑफ वीट। कौन सा है दोस्तों, रस्ट ऑफ वीट है। इसके बाद में दूसरा है वाइट, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। कौन सा है, सरसों का भूरी रोली रोग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, अभी आपको मैं सिलेबस बता रहा हूं। ठीक है, थर्ड आता है लूज, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट ऑफ वीट एंड बार्ले, दोनों के अंदर आपको बताऊंगा। एंड फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, फोर्थ नंबर पे आता है लिटिल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। कौन सा आता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं, एग प्लांट या फिर ओबेर जीन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और फिफ्थ नंबर पे आता है ब्लाइट। कौन सा आता है, ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन। यहां पर टोटल डिजीज की अगर हम बात करें तो सात रोग है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखो, खरीफ में कितने पढ़े थे, तो खरीफ में हमने कितने पढ़े थे भाई, बोलो बालको, कितने पढ़े थे, आठ पढ़े थे, और आज कितने पढ़ाऊंगा, सात। यहां पर कितने लिखे, पांच नहीं सात हैं, ध्यान दो, वन टू, और यहां पर लूज स्मट अलग पढ़ेंगे और कवर्ड स्मट अलग पढ़ेंगे, तो कितने हो गए, यहां पर फोर हो गए, उसके बाद में फिफ्थ, और उसके बाद में ब्लाइट अलग पढ़ेंगे और पाउडरी मिल्ड्यू अलग पढ़ेंगे, तो हो गए ना सेवन। तो आज हम यहां पर कितने पढ़ेंगे, सेवन पढ़ेंगे, और अगर हम यहां पर रस्ट के भी तीन अगर अलग से गिनेंगे तो टोटल कितने हो जाते हैं, टेन हो जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कहां तक, एंड तक, क्योंकि जरूरी है। अगर आप लोगों ने वीडियो आधा देखा, क्या देखा, आधा देखा, और आधा वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को छोड़कर चले गए, और जब पेपर हुआ हो सकता है आपका क्वेश्चन यहां से आ जाए, और इसका मतलब है कि आपके डायरेक्ट नुकसान है चार नंबर का। इसीलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। इसके अलावा उन बालक और बालिकाओं से निवेदन करना चाहूंगा जो क्लास में बातें करते हैं, जो आते हैं, हाय हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो, क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ, क्या हाल चाल है, कहां से हो, कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज आप बातें ना करें, क्योंकि अगर बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट आएगा कि सर समझ में नहीं आया। अगर समझना है तो बातें करना बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रोग डाल लो रस्ट ऑफ वीट। क्या डालोगे, रस्ट ऑफ वीट डालोगे, और बिल्कुल टेंशन मत लेना। शर्त आपसे मेरी इतनी सी है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, सब समझा के जाऊंगा,
और याद करवा के जाऊंगा, ठीक है ना, सब कुछ याद करवा के जाऊंगा आपको यहां से। सबसे पहला रोग कौन सा लगा? लगा रस्ट ऑफ वीट, गेहूं में लगा। किस में लगा? गेहूं में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं गेहूं का रोली रोग, या गेहूं का किट रोग, या गेहूं का किट रोग भी इसको बोला जाता है। तो हिंदी नाम भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ये रोग किसके द्वारा होता है? तो ये रोग है कवक जनित, मतलब कवक के द्वारा होता है। अब इसकी तीन प्रकार है, मतलब इसके तीन प्रकार है, तीन तरीके से ये रोग होता है। कौन कौन से हैं? ध्यान बोर्ड पर दो और आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राउन रस्ट की। किसकी बात करेंगे? ब्राउन रस्ट। और ब्राउन रस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे भूरी भूरी गेरुई, भूरी गेरुई रोग। क्या बोलेंगे? भूरी गेरुई रोग हम इसको बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, या गेहूं का भूरा किट रोग इसको बोलेंगे। यहां पर हम बात करें पैथोजन की। किसकी बात करें? पैथोजन की। तो आंसर फटाफट आंसर दो, गेहूं का भूरी गेरुई रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटी साई। क्या होगा? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटी साई, हिंदी में भी हम इसको लिख देते हैं पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटी साई। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये रोग किसके द्वारा होता है? मतलब गेहूं का भूरी गेरुई रोग किसके द्वारा होता है? पैथोजन मतलब रोग कारक, जो रोग फैलाने का वर्क करता है। तो नाम क्या होगा? तो नाम होगा सर पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटिसाई। अब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां पर आप क्या पढ़ोगे? ब्राउन भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, मतलब ब्राउन पढ़ लिया। ब्राउन के बाद आप कौन सा पढ़ोगे? येलो पढ़ोगे, फिर ब्लैक पढ़ोगे, और तीनों में पक्सिनिया 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 आएगा, बट थोड़ा सा चेंजेस आएगा और उसमें हम क्या करते हैं? गलत आंसर लगा देते हैं। तो आज आप नहीं लगाओगे क्योंकि ध्यान दो, अगर मैं बात करूं इस तरीके से ब्राउन जो है ये ब्राउन रस्ट है, ठीक है। अब बी से तो आप ब्राउन याद रखोगे और बी के बाद में जस्ट आ रहा है आर, और आर से आप क्या याद रखोगे? रिकॉन्डिटा। ये रोग किससे होता है? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटिसाई नामक कवक के द्वारा ये रोग होता है। हम बात करें सिम्टम्स की, लक्षण ये किस प्रकार के लक्षण प्रकट करता है? तो ध्यान देना यहां पर, ये है गेहूं की पत्ती। क्या है? सपोज मान लो आप क्या मानना है कि ये गेहूं की पत्ती है और इस पर लक्षण दिखेंगे, इस पर सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। कैसे सिम्टम्स दिखेंगे? तो ध्यान देना, पत्ती के ऊपर ब्राउन कलर की, पत्ती के ऊपर ब्राउन कलर की धीरे धीरे, पत्ती के ऊपर ब्राउन कलर की धीरे धीरे करके रस्ट जमा हो जाएगी। क्या जमा हो जाएगी? कवक जमा हो जाएगी। कौन से कलर की? ब्राउन कलर की। इसीलिए तो बाल को इसको क्या बोला गया है? गेहूं का ब्राउन रस्ट या गेहूं का भूरी गेरुई रोग बोला गया है। समझ गए आप? मेरे साथ में वापस से बोलना एक बार, धीरे धीरे करके पत्ती के ऊपर ब्राउन रस्ट जमा हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ब्राउन रस्ट ऑफ वीट या गेहूं का भूरी गेरुई रोग बोला गया है। मुख्य सिम्टम्स क्या है कि पत्तियों के ऊपर, चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक कोई पत्ती ले लेना, क्या लोगे? लीफ आप ले लेना, और लीफ लेने के ऊपर जिस तरीके से कोई ब्राउन कलर का कोई भी पाउडर ले लेना, और उसको जिस तरीके से आप बिखरोगे, मतलब ठीक है, बिखरने के बाद जिस तरीके से नजर आता है उसी तरीके से आप इसको इस पत्ती पर ये वाली रस्ट नजर आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगा एंड में, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ सके और याद कर सके। बात करते हैं कंट्रोल की। तो तीनों के कंट्रोल के लिए हम मेनकोजेब ले सकते हैं, तीनों के, किस किस के, चाहे ब्राउन हो या येलो हो या फिर ब्लैक हो, बट यहां पर रेजिस्टेंट वेराइटी हमें अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंट वेराइटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी लेनी है जिसमें रोग नहीं होता है, तो ध्यान देना यहां पर आरवी हेडिंग डालो, और इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटी है रेजिस्टेंट वेराइटी HD 2830 है। इसके अलावा अगली वेराइटी है HD 2834, ठीक है, एंड इसके अलावा है ND NID
NID for 295। ये वेराइटीज हैं जिनके अंदर ये रोग नहीं होता है, गेहूं का ब्राउन रस्ट रोग नहीं होता है। तो एक बार इस पूरे चित्र को अपनी आंखों में बसा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको यहां पर नजर आ रहा है आप लोगों को याद होना चाहिए, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हो उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बात करेंगे हम कौन से रस्ट की, येलो रस्ट की हम बात करेंगे। वीडियो को जिन बालकों ने और जिन बालिकाओं ने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। देखो यार, कल भी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले उस पर बहुत सारे मतलब 5-6 अनलाइक हो गए थे। तो बिना वीडियो देखे आप अनलाइक कर रहे हो। अगर आपने वीडियो देखा समझ में नहीं आता या हमने कुछ गलत पढ़ाया तो फिर आप अनलाइक करो, हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ हमें कि सर आपने ये वाली चीज़ गलत पढ़ाई है या हमने अनलाइक इसलिए किया है। तो प्लीज आप लाइक करें। दूसरा, उन बालकों से कहना चाहूंगा जैसे वीडियोस जो होती है 200 के नहीं, जैसे 2000 लोग देखते हैं और 2000 देखने के बाद भी लाइक होते हैं 150। बाकी जो बच्चे हैं क्या पास नहीं होना चाहते या पेपर नहीं देना चाहते, भाई आप पढ़ते तो पूरा हो, वीडियो भी पूरा देखते हो, समझते भी हो, अच्छे से पूरा याद करके जाते हो, पेपर भी देते हो, सिलेक्शन भी लेते हो, बट वीडियो लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करके जाया करो। लाइक और शेयर जरूरी है। इसके अलावा आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड इसका जो प्रकार आएगा इसको बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, बी से। और बात करेंगे हम किसकी, येलो रस्ट की। क्या बोलेंगे इसको भाई, कमेंट करो। गेहूं में पीली रोली रोग बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे स्ट्राइप, क्या बोलेंगे, स्ट्राइप डिजीज, या फिर इसको गेहूं का धारीदार रोग बोलेंगे। तो ये तीनों चारों नाम अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम बात करते हैं पैथोजन की। तो भाई बालकों और बालिकाओं फटाफट आंसर दो, क्या होगा आंसर, किस कवक के द्वारा ये रोग होता है, गेहूं का पीली रोली रोग किस कवक के द्वारा होता है। तो आंसर क्या है, आंसर है पक्सीनिया रिकोंडिटा, उसका था इसका क्या होगा, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, क्या होगा, स्ट्रीफॉर्मिस। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस कवक के द्वारा होता है। जिन्होंने भी पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस बोला है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्ट्रीफॉर्मिस। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। देखो उसमें हमने कैसे याद किया था पक्सीनिया रिकोंडिटा, कैसे याद किया था, क्योंकि उसमें नाम आ रहा था ब्राउन और ब्राउन से बी आर, इस तरीके से हमने याद किया था। अब इसमें कैसे याद करोगे, तो देखो यहां पर स्ट्राइप आ रहा है और स्ट्राइप का मतलब होता है धारी, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, धारीदार रोग बोला जा रहा है। तो आप याद रखोगे भाई पक्सीनिया तो आपको सब में लगाना है, और एस से आप क्या याद रखोगे, स्ट्रीफॉर्मिस याद रखोगे। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर आप तो हमें बताओ सिम्टम्स क्या होंगे इसके, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो बिल्कुल बात करेंगे सिम्टम्स की, इसके लक्षण हम देखेंगे, और इसके लक्षण जो हैं वो भी बिल्कुल खराब हैं। लक्षण खराब कैसे हैं, तो ध्यान दो यार, इसके भी लक्षण हमें प्रकट होंगे किसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर। वापस से मान लो कि ये क्या है, गेहूं की पत्ती है, मान लिया आप सभी ने। पहले वाले में तो क्या हो रहा था, जिस तरीके से, तो किसी ने ब्राउन कलर का क्या बिखेर दिया हो, कुछ पाउडर बिखेर दिया हो, इस तरीके से हमें नजर आ रहा था। अब इसमें क्या होगा, जिस तरीके से पिन होती है, पिन आप सबने देखी है, पिन का आगे का जिस तरीके से नुकीला सिरा होता है, उस सिरे की तरह यहां पर हमें एक तरीके से रस्ट नजर आएगी, और रस्ट का कलर कैसा होगा, पीले रंग का होगा, कैसा होगा, पीले रंग का। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, और ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर, तभी समझ में आएगा। पिन के जैसे बनेगा, ये पिन बना, ये पिन, ये पिन, ये पिन, धीरे धीरे करके धारियों के रूप में ये रस्ट हमें नजर आने लगेगी। ध्यान देना, धारी बन रही है, धारी बन रही है भाई, इसीलिए तो इसको स्ट्राइप या धारीदार रोग बोला जाता है। भाई याद रखना है ना परमानेंट पूरी जिंदगी में, तो बिल्कुल अच्छे से समझना और अपने नोटबुक में भी बना लेना, तभी याद रहेगा। तो इनका जो आकार कैसे होंगे, ये पिन जैसे होंगे, कैसे होंगे, पिन जैसा रस्ट, पिन जैसे
पिन जैसा रस्ट या रोली होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका कलर कैसा होगा, तो पीले रंग का होगा। कैसा होगा, पीले रंग का। तो सिम्टम्स समझ में आ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है। वो तो था ब्राउन कलर का, इसीलिए तो उसको ब्राउन रस्ट बोला गया। और ये कौन सा, येलो कलर का, इसीलिए इसको क्या बोला गया, येलो रस्ट या पीली रोली रोग बोला गया है। समझ में आ रहा है आप सभी को। अब पिन जैसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे जो रस्ट जमा हो रही है पिन की फॉर्म में और एक तरीके से स्ट्राइप धारियों के रूप में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्राइप डिजीज या धारीदार रोग बोला गया है। कलर आपने देख लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी लेंगे, किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी। तो रेजिस्टेंट वेराइटी हम लेंगे यहां पर BL 824, लिखना RV करके लिखोगे, क्या लिखोगे बाल को, BL 824 लिखो। इसके अलावा आप लिखो BL 864, इसके अलावा लिखो BL 867 एंड इसके अलावा BL 868, ठीक है। गिनती बोलो भाई मेरे साथ, 864 867 868 867 और 868। आगे बात करते हैं राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए है RJ 4028, कौन से हैं, RJ 4028 है। इसके अलावा है PBW 525 एंड 530, कौन सी है, 530 है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है। कंट्रोल के लिए आप मेनकोजेब 2 kg का स्प्रे कर सकते हो। तीनों का कंट्रोल आपको एक साथ लिखवा दूंगा एंड में, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो किससे बनता है, पैथोजन से बनता है। और पैथोजन में बच्चे जो है गलती कर देते हैं, जैसे यहां पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस है, तो यहां पर क्या लगा देगा, बालक लगा देगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस लगा देगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो अब तक हमने रस्ट के दो प्रकार समझ लिए, एक तो कौन सा समझा, भूरा समझा, और दूसरा हमने पीला समझा। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हो, कहीं बार तो मुझे भी आप स्क्रीनशॉट में शामिल कर लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा पढ़ेंगे आगे, चलो भाई फटाफट कमेंट करो, कौन सा पढ़ेंगे, ब्लैक रस्ट पढ़ेंगे। भाई समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा एक ही मोटिव है कि बालकों को और बालिकाओं को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। जितने भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन हमारा सही जाना चाहिए। एजी में पूरे 40 के 40, बायो में पूरे 40 के 40 और केमिस्ट्री में भी पूरे 40 के 40 आपके सही जाने चाहिए, और बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तैयारी बिल्कुल अच्छे से, पूरी शिद्दत के साथ, बिल्कुल मेहनत के साथ की जाए, तो आराम से हम 40 में से 40 क्वेश्चन सही करते हैं। ICR के अंदर हम पूरे 50 में से 50 भी सही कर सकते हैं। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से स्टडी करते हो। मैंने आपको कल भी बोला था, आई थिंक लास्ट वीडियो में, जो घड़ी है घड़ी की तरह बनो। किसकी तरह बनो, घड़ी की तरह। घड़ी आप देखते हो टाइम के लिए, ठीक है। तो घड़ी जो देखते हो समय देखने के लिए, बट इससे कुछ सीखो। क्या सीखो, आपने देखा होगा कि घड़ी हमेशा चलती रहती है, क्या करती रहती है, हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो जहां तक आपका पेपर ना हो जाए, प्लीज आप चलते रहे। चलते रहने का मतलब है दोस्तों यहां पर कि आप AG पढ़ते रहे, बायो पढ़ते रहे, केमिस्ट्री पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि डेट आ गई कि आपका पेपर 2 महीने बाद होगा तो फिर आप रुक गए। रुक जाने का मतलब है सीधा सीधा कि आपका टाइम खराब आ गया। क्या खराब आ गया, टाइम, मतलब टाइम आपका बिगड़ गया। वो टाइम बिगड़ने का मतलब आप सब जानते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप अपने टाइम को बिगड़ने ना दे, आप घड़ी की तरह चलते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस पढ़ लिया हो गया काम, फॉर्मल्टी कर ली, फॉर्मल्टी नहीं करनी। हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सिलेक्शन लेना है, क्लियर है। चाहे एग्जाम कभी भी हो, जैसे जेट ICR का एग्जाम कब है, 7 और 8 सितंबर को है। जेट के एग्जाम की भी डेट आपके जल्द आ जाएगी, इसीलिए टाइम कम है, टाइम का सदुपयोग करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ब्लैक रस्ट की। किसकी बात करेंगे, ब्लैक रस्ट, नाम से पता चल रहा है ब्लैक रस्ट। तो हेडिंग डाल लो C4CAT और इसमें हम लिखेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या फिर गेहूं का काली गेरुई रोग या काली रोली रोग या काली गेरुई, सॉरी काली रोली या फिर इसको काला किट भी बोलते हैं, ठीक है ना। गेहूं का काला किट रोग भी इसको बोलते हैं। वापस से बात आ जाती है घूम फिर के पैथोजन के ऊपर,
कहां पर आती है? फेतोजन। फेतोजन कौन? रोग कारक। रोग कारक कौन? कमेंट करो भाई बालकों और बालिकाओं फटाफट से, रोग कारक कौन है? तो सर रोग कारक है पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई। कौन है? पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई। तो लिखो देरी, किस बात की? पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनीज, ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई। हिंदी में भी लिखा जाए, ठीक है, लिखते हैं हिंदी में। देखो ये लिखा हमने पक्सिनिया, अपने दिमाग में ये इमेज बिठा लो, पक्सिनिया ग्रेमिनीज, ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई। याद कैसे करोगे? तो देखो ब्राउन में क्या किया था, ब्राउन से आर पे गोला लगाया था, इसीलिए आपको रिकोंडिटा याद हुआ था। हमने स्ट्राइप जो रस्ट था उसमें, स्ट्राइप में हमने क्या किया था? एस पर गोला लगाया था, स्ट्रीफॉर्म इससे मतलब था। यहां पर किस पे गोला लगाओगे? यहां पर तो आपके जो ब्लैक रस्ट है, ब्लैक रस्ट, इसमें तो कहीं पर भी आपके इस तरीके से ग्रेमिनीज नहीं दिख रहा है। तो कैसे याद करोगे? तो देखो दो के अलावा एक ही तो बचा हमारा, और गेहूं किस परिवार से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी से। तो आप याद रखोगे कि गेहूं में जो काला या काली रोली जो रोग है, ये पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई के द्वारा ये रोग होता है। मुख्य सिम्टम्स की बात करते हैं, डायरेक्ट मुख्य मेजर सिम्टम्स क्या है? तो मेजर सिम्टम ध्यान से देना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये रोग पत्तियों पर लक्षण प्रकट नहीं करेगा, ये रोग पत्तियों पर लक्षण प्रकट नहीं करेगा। ये कहां पर लक्षण प्रकट करेगा? तो ये तने पर लक्षण प्रकट करेगा। कहां पर? तने पर काले रंग की, तने पर क्या होगी? काले रंग की भूरी या काले रंग की रोली जमा हो जाएगी। कहां पर? तने पर। यार आप इसको देखोगे ना तो बड़ा अजीब सा और बड़ा बुरा सा लगता है, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। भाई किसी ने देखा है आप में से गेहूं का काली रोल, काली रोली रोग देखा है किसी ने? ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट में क्या होगा? सपोज करो ये गेहूं का तना है और तने पर छोटा 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 काला काला फफूंद जमा हो जाएगा या ये रोली जमा हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? गेहूं का काला किट रोग बोला गया है। ये क्या है? ये ब्लैक रस्ट है। कैसा रस्ट है? ब्लैक रस्ट। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना इसके सिम्टम्स जो है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से याद रखना भाई, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से कहां पर? तो तने पर या स्टम पर। इससे पहले कहां पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे? तो पत्ती पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। समझ में आ गया आप सभी को? बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं रेजिस्टेंट वेराइटी की। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो रेजिस्टेंट वेराइटी हम इसके लिए लेंगे, कौन सी लेंगे? ध्यान देना, एच डी अट्ठाईस सड़सठ लेंगे। इसके अलावा हम यहां पर बात करेंगे अगली वेराइटी एच पी डब्ल्यू 217। कौन सी है? HPW 217 है। इसके अलावा है HP 2594। कौन सी है? HP 2594 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर वापस ध्यान देना, गेहूं में जो ब्लैक रस्ट है, काली रोली रोग, ये होता है पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई के द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई। और तने पर मुख्य आक्रमण होगा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मुख्य आक्रमण तने पर कौन सी कवक के द्वारा होता है? तो याद रखना काली रोली रोग में होगा और ये होता है पक्सिनिया ग्रेमिनीज ट्रीटिसाई के द्वारा। रेजिस्टेंट वेराइटी HD 2867, HPW 217, ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की, तीनों का कंट्रोल एक साथ बता देता हूं। देखो कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल बहुत इजी है। एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में तो आपने लिख लिया कि सर सब में रेजिस्टेंट वेराइटी आपने लिखा दी, हम उनको याद करेंगे। तो बिल्कुल आप याद करोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए गेहूं में रोली प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो फिर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कंट्रोल की बात कर लेते हैं, कंट्रोल भाई कंट्रोल करो थोड़ा, ठीक है, नियंत्रण। और नियंत्रण के लिए आप क्या करोगे? मेनकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करना है? प्रयोग करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो पोटेशिक उर्वरक हैं, कौन से? पोटेशिक उर्वरक, पोटेशिक फर्टिलाइजर, उनका आपको अधिक प्रयोग करना है। क्या करना है? अधिक प्रयोग आपको करना है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा ध्यान देना, तीनों के लिए, तीनों के लिए मतलब ब्राउन, येलो और ब्लैक, इन तीनों के लिए आप क्या कर सकते हो? जो सल्फर पाउडर है, कौन सा पाउडर?
सल्फर पाउडर गंधक, इसको आपको 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या कर देना है, खेत में डाल देना है, जिससे गेहूं में गेहूं की रोली रोग का नियंत्रण हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गेहूं का रोली रोग और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, फिर आगे हम बात करेंगे लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट की। किसकी बात करेंगे? लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट की। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, क्योंकि गुरु दक्षिणा जरूरी है और गुरु दक्षिणा में आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे लाइक और शेयर चाहिए। देखो बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है बालक और बालिकाएं लाइक और शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं करते, जो करते हैं उनको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बट आप लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि यार आपका लाइक और शेयर बाहर कौन है, लाइक शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लूज स्मट की। किसकी बात करते हैं? लूज स्मट, उसके बाद हम बात करेंगे कवर्ड स्मट। अब देखो लूज स्मट गेहूं के अंदर भी होता है और बारले के अंदर भी होता है, दोनों में सेम है, डिफरेंस कुछ नहीं है। होता क्या है सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। आप अभी फिलहाल हेडिंग डालो, दूसरे नंबर का रोग है, और कौन सा है दूसरे नंबर का रोग? लूज स्मट ऑफ वीट, हम पढ़ लेते हैं वीट लिख लो, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। और इसको हिंदी में बोलेंगे गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग। क्या बोलेंगे? गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पैथोजन की। किसकी बात करते हैं? पैथोजन। और पैथोजन कौन? रोग कारक जो पादप में क्या करता है, रोग फैलाने का वर्क करता है। देखो जो मेन कहानी है ना, वो कहानी आपके पैथोजन की है। किसकी है? पैथोजन की। और पैथोजन को कभी भी मत भूलना, याद रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। ये होता है अस्टिलागो न्यूडा में, तो अस्टिलागो न्यूडा जो होता है उसके द्वारा तो होता है, किसमें? बारले के अंदर। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में होता है अस्टिलागो वेराइटी है टीटीसाई, अस्टिलागो वेराइटी टीटीसाई नामक कवक के द्वारा ये रोग होता है। किसके अंदर? गेहूं के अंदर। ब्रैकेट में लिख लेना बारले, क्योंकि बारले का अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, सिम्टम्स भी सेम है। बारले में होता है अस्टिलागो न्यूडा द्वारा। किसके द्वारा? अस्टिलागो न्यूडा द्वारा, अस्टिलागो, ठीक है, अस्टिलागो न्यूडा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे ये रोग किस में होता है, जौ में भी होता है और गेहूं में भी होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसके लक्षण भी खराब हैं, ठीक है ना, इसके लक्षण भी खराब है। जिस तरीके से कुछ बालक हमारी वीडियोस में आ जाते हैं और बातें करने के लिए आते हैं, मतलब बुरा मत मानना, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लड़कियों से बातें करने के लिए आते हैं, हाय हेलो, और पीछे नाम लिख देते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप अपने लक्षण ना दिखाए, आप जैसे हो वैसे रहो, अभी आप स्टडी पर ध्यान दे, पढ़ाई करें। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं लक्षण की। तो इसके लक्षण कैसे हैं? इसके लक्षण प्रकट होते हैं बाली के ऊपर। किसके ऊपर? इस रोग में बाली जल्दी बनेगी, इस रोग में गेहूं की बाली जल्दी बनेगी, और जल्दी बनकर क्या होगा, ध्यान दो, बाली को स्पाइक बोलते हैं ना भाई, बाली देखिए, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है। चलिए बाली बना के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, कोशिश करते हैं, वैसे आती नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बना के दिखाऊंगा कि बाली कुछ इस प्रकार की होती है। गेहूं की बाली कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की होती है, देखिए भाई, सब बच्चों ने देखी होगी, ठीक है ना, क्योंकि सब आप बहुत समझदार हो। इस प्रकार की क्या होती है गेहूं की बाली होती है, ध्यान है सभी को? अरे नहीं देखिए, अगर तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं उनमें देख लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सपोज करो ये क्या है, गेहूं का पादप है और ये है गेहूं की बाली। अब इस बाली के साथ क्या होता है इस रोग में, ये अस्टिलागो न्यूडा जो है ये क्या करता है, या अस्टिलागो ट्रिटिसाई ये क्या करता है, इसमें दानों की जगह पर, इस रोग की वजह से दानों की जगह पर क्या बनता है, क्या दिख रहा है बोलो भाई, कमेंट करो जल्दी से, क्या दिख रहा है काला पाउडर, ब्लैक पाउडर बनेगा। तो ध्यान देना यहां पर बाल को और बालिकाओं, कि इस रोग में
गेहूं में गेहूं के दाने की जगह पर किस रोग में गेहूं में गेहूं के दाने की जगह पर काला पाउडर बनता है, क्या बनता है? तो यहां पर लिख लो गेहूं के दानों की जगह पर काला पाउडर बनेगा, क्या बनेगा? काला पाउडर बनेगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, गेहूं के दानों की जगह पर क्या बनेगा? काला पाउडर या ब्लैक पाउडर बनेगा। और ये किसके वजह से होता है? अस्टिलागो न्यूडा के द्वारा ये रोग होता है। फल का प्रकार क्या होता है गेहूं का, सब याद है ना भाई? ट्रिटिकम एस्टिवम कैरियोप्सिस बोलते हैं। और इसका जो तना होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो राइस का तना होता है उसको क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। तो बहुत सारे, अगर आप लोगों ने राइस का वीडियो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने वीट का वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पर जाकर जरूर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, जो भी राइट आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? जो गेहूं हम उगाते हैं जिस गेहूं को मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या ये कितना गुणित गेहूं होता है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास क्या है तो ध्यान दो बालको, ऑप्शन आपके पास है 2n बराबर 14, ठीक है? ऑप्शन भी आपके पास है 2n बराबर 28, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2n बराबर 42, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2n बराबर 56। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा गेहूं हम पढ़ रहे हैं और कौन सा गेहूं सर्वाधिक उगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप गेहूं वाला वीडियो देख लेना, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आपके दोस्त रवि को। आ जाओ भाई रवि, और बताओ कौन कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटी है जिनके अंदर लूज स्मट रोग नहीं होता है। तो कौन कौन सी है, ध्यान देना, कल्याण सोना है। कौन सी है? कल्याण सोना, नाम याद हो जाएगा ना, बहुत इजी है, कल्याण सोना है। इसके अलावा C302 है। कौन सी है? C302। ये दोनों वेराइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें लूज स्मट रोग नहीं होता है। कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले ही बीजोपचार कर सकते हो। बीजोपचार किससे कर सकते हो, तो वीटावेक्स से कर सकते हो। कितना लेना है? 2.5 ग्राम वीटावेक्स आपको लेना है पर केजी सीड में। कितना लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो सीड ट्रीटमेंट कंट्रोल में, ठीक है? और सीड ट्रीटमेंट करेंगे वीटावेक्स से करेंगे। कितना? 2.5 ग्राम पर केजी सीड में हमें क्या करना है, बीजो उपचार करना है, ताकि ये रोग ना हो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई फटाफट, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, और बिल्कुल अच्छे से समझते रहना। आपको उन बालकों और बालिकाओं पर ध्यान नहीं देना जो बीच में आके क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी बीच में आकर क्वेश्चन पूछते हैं सबका आंसर दूंगा, प्लीज आप तसल्ली और शांति बनाए रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे। अगला आएगा कवर्ड स्मट, और कवर्ड स्मट में कुछ नहीं है, सब सेम है, मतलब यही कंडीशन होगी, ठीक है? अभी समझा देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। मैं बात कर रहा हूं थर्ड नंबर की डिजीज की। थर्ड नंबर का जो रोग है कौन सा है भाई, कमेंट करो जल्दी से। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, किसकी बात करूंगा बालकों और बालिकाओं, फटाफट से आंसर दो। किसकी बात करूंगा मैं? लूज स्मट ऑफ बार्ले की बात करूंगा, लूज स्मट ऑफ बार्ले। थर्ड नंबर का रोग है लूज स्मट ऑफ बार्ले, या इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त कंडवा रोग। क्या बोलते हैं? आवर्त कंडवा रोग। कौन सा? आवर्त कंडवा रोग। किसको बोलेंगे? लूज स्मट ऑफ बार्ले को बोलेंगे। और बात करें पेथोजन की, क्योंकि पेथोजन की ही एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, ठीक है ना? पेथोजन, और पेथोजन याद रखना, पेथोजन कौन सा है तो बहुत इजी है, अस्टिलागो होर्डियाई। क्या है? अस्टिलागो होर्डियाई। तो लिख लो, हिंदी में भी लिख लो भाई बाल को, अस्टिलागो होर्डियाई। कौन सा डी आई? होर्डिया ई
कवक द्वारा यह रोग होता है। और इस रोग में भी क्या होता है, तो इस रोग में भी जो बाली बनती है, बाली में दानों की जगह पर क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो भाई, क्या बनेगा, तो दालों की जगह पर काला पाउडर बनेगा। क्या बनेगा? काला पाउडर बनेगा, अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने आपको स्मट, यार स्मट नाम से समझो, ये है स्मट। अब स्मार्ट, स्मार्ट तो है नहीं, क्या है, स्मट है। और स्मट मतलब क्या होता है, कलंक होता है जो लग जाता है किस पर, गेहूं की बाली पर। कलंक मतलब काला लग गया, क्या लग गया, काला। तो नाम से ही याद करने की कोशिश करो ताकि आप भूल ही ना सको। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो, अगर आपको किसी फील्ड में ले जाया जाए जिसमें अगर कोई रोग लगे हुए हैं तो आप उनको बता सको। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को बता सके, अच्छे तरीके से समझा सके। उठा के मान लो पूछ लिया किसी किसान ने आपसे खेत में कि बेटाओ आपके तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, बताओ भाई साहब कि कौन सा रोग लगा हुआ है, तो वहां पर आप सिम्टम्स देख के उनको बता सको। अगर आपको सिम्टम्स ही पता नहीं होंगे तो आप बोलोगे चाचा जी हाँ ये तो अभी तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हमने, सिम्टम्स में आप वही लिख सकते हो कौन सा, कि दानों की जगह पर क्या बनेगा, इसमें भी काला पाउडर बनेगा। रोगी बालियां कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, जिस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है, लिख लो रोगी, रोगी बालियां, रोगी बालियां, बालिकाएं नहीं, रोगी बालियां, ठीक है, रोगी बालियां, बालियां काली दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ऐसा तो है नहीं कि क्रीम पाउडर लगा के गोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंट वेराइटी उगानी पड़ेगी। और रेजिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी है, तो ध्यान दो C163 है, C163 BJ13 BJ13 है, ठीक है। इसके अलावा देखो गिनती स्टार्ट कर दो, 14 है, 24 है, 26 है, 26, 28 है, 29 है, एंड BJ309 है, BJ309। तो इन वेराइटीज को अच्छे से याद रखना, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है और मुख्य लक्षण है रोगी बालियां काली दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा आप सी ट्रीटमेंट कर सकते हो, सी ट्रीटमेंट किससे, उसी से जिससे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, किससे किया था, वीटावैक्स से किया था ना भाई, वीटावैक्स, या तो वीटावैक्स ले लो या बावस्टिन ले लो, जो भी आपको मार्केट में मिले वो दवा आप ले लेना और उससे सीड ट्रीट कर लेना। 3 ग्राम आपको डालना है पर केजी सीड में, किसमें डालना है, 3 ग्राम आपको पर केजी सीड में डालना है। वीटावैक्स की खोज किसने की, ये क्वेश्चन भी आता है, तो वीटावैक्स की खोज 1967 में स्मलेनिंग एंड कुलका नामक वैज्ञानिक ने की है। यहां पर लिख लो वीटावैक्स को डिस्कवर किया 1967 में किसने, स्मलेनिंग, स्मलेनिंग एवं कुलका, नाम देखो यार इसका, कुलका नामक वैज्ञानिक ने खोज की है वीटावैक्स की। और यह एक क्या है, फंगीसाइड है जिसका प्रयोग हम कहां पर कर रहे हैं, बीज उपचार करने के लिए कर रहे हैं। तो आई होप आपको रोग नंबर 3 समझ में आ गया होगा, ठीक है। रोग वाला गाना आपने सुना होगा, इसका गाना बना लेना बट याद जरूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। आगे हम बात करेंगे 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे आज हम बात करने वाले हैं किसकी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। किसकी बात करेंगे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात करेंगे। अब देखो ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल आप सब खाते हो, एग प्लांट हम बोलते हैं या फिर ऑबेरजीन भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑबेरजीन या एग प्लांट, किसको बोला जाता है, बैंगन को बोला जाता है। और बैंगन का साइंटिफिक नाम याद है या भूल गए, 36 का आंकड़ा देखा है ना, सोलेनम मेलियोनजाना, क्या है, सोलेनम मेलियोनजाना। देखो याद रखना, भूल किसी को मत जाना, भूल जाओगे तो फिर भूल जाओगे और फिर खो जाओगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो 4th नंबर, लिटिल लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसको हिंदी में बोलेंगे बैंगन का छोटी पत्ती रोग, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती लिख लो आप तो शॉर्ट में, छोटी पत्ती। देखो नाम से पता चल गया, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका पता हमने, हमें नाम से पता चल जाता है, मतलब इसकी जो पत्तियां होती है वो किसी हो जाएगी, जैसे सपोज करो ये पूरी पत्ती है, पूरी इतनी बड़ी पत्ती है किसकी, बैंगन की।
अब इस रोग की वजह से क्या होगी, इस तरीके से छोटी सी हो जाएगी, किसी हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, मतलब ये मुख्य सिम्टम्स है इसका, ठीक है ना। हम बात करें यहां पर किससे होता है ये रोग, पैथोजन की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। पैथोजन, पैथोजन में लिखना फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा यह रोग होता है। फाइटोप्लाज्मा बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और सबसे पहले इस रोग को इंडिया के अंदर 1938 में कोयंबटूर तमिलनाडु में देखा गया था। कब? अगर हम बात करें हमारे देश इंडिया आत्मनिर्भर की, तो आत्मनिर्भर में सबसे पहले कहां पर देखा गया, सबसे पहले इसको देखा गया था कोयंबटूर, कोयंबटूर तमिलनाडु में। कब? 1938 में सबसे पहले इस रोग को देखा गया। ये रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, जब फूल या फल आते हैं तो उससे पहले ये रोग होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं आ पाते हैं, फूल या फल नहीं आ पाएंगे। और पत्तियां, पत्तियों पर ध्यान देना है, पत्तियां छोटी रह जाएगी। तो सिम्टम्स या लक्षण, इसके जो लक्षण है उसमें आप लिख सकते हो कि पत्तियां कैसी हो जाएगी, पत्तियां छोटी रह जाएगी। नाम से पता चल गया था, पत्तियां छोटी रह जाएगी और फल व फूल नहीं बनेंगे, फूल व फल नहीं बनेंगे, ऐसे लिखो भाई, फूल व फल नहीं बनेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन में नुकसान होता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। बात कर लेते हैं आपके दोस्त रवि की, और बुलाओ रवि को, क्या करेंगे जिसमें ये रोग नहीं होगा, तो कौन सी वेराइटीज लेंगे हम, तो वेराइटीज हम लेंगे यहां पर उषा पर्पल, कौन सी लेंगे, उषा पर्पल, या इसके अलावा हम लेंगे क्लस्टर, क्लस्टर लेंगे, इसके अलावा हम लेंगे ब्लैक ब्यूटी, कौन सी लेंगे, ब्लैक ब्यूटी लेंगे। देखो ब्लैक है और ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी हम लेंगे। इसके अलावा हम पंत ऋतुराज लेंगे, कौन लेंगे भाई, पंत ऋतुराज, यार मेरी गली के बाहर जो है ना बालक, वो बहुत शरारती हैं, मानते नहीं है, कितना भी बोल लो, बाहर आके आईपीएल चलता है उनका, क्रिकेट चलता है, और साइकिल इधर से इधर, उधर से उधर, और आवाज़ आती रहती है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी आए हो, अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो बट थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि मैंने बोल दिया बालकों से, बट बालक आप जानते हो कि मानते नहीं है भाई, जब बड़े बालक नहीं मानते, फालतू कमेंट करते, तो फिर छोटे कैसे मानेंगे, थोड़ा सा सीख जरूर लेना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की, तो ये तो रवि को हमने बुला लिया, और कंट्रोल की बात करते हैं, और इसके कंट्रोल के लिए हम लेंगे मेटासिस्टिक, क्या लेंगे, मेटासिस्टिक 1 ml प्रति लीटर, मेटासिस्टिक 1 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से मैं क्या करना है, इसका प्रयोग करना है, या फिर आप मेलाथियान भी ले सकते हो, मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। और ये जो रोग है, ये रोग किसके द्वारा हुआ, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा हुआ। वेक्टर वाहक जो इस रोग को फैलाता है कौन है, तो याद रखना लीफ होपर है, लीफ होपर मतलब समझ गए, लिखो यहां पर वेक्टर में लिख लेना, क्योंकि कई बार वेक्टर पूछ लिया जाता है, ट्रैक्टर नहीं रे वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ट्रैक्टर से एक क्वेश्चन याद आ गया, हमारे भारत में नॉर्मल कितने HP के ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है ना, कमेंट करके बताना हमारे आत्मनिर्भर कंट्री के अंदर कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं कृषि कार्यों के लिए। अब आ जाओ वेक्टर पे, तो वेक्टर क्या बोल रहा था, वेक्टर वेक्टर में मैं बोल रहा था लीफ होपर, क्या बोल रहा था बाल को, लीफ होपर बोल रहा था, याद रखना लीफ होपर के द्वारा ये रोग फैलता है। सेस्टिस फाइटिस क्या है, सेस्टिस फाइटिस, अरे इन बालकों से बोलना आवाज ना करे बाहर, क्योंकि इधर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो रहे हो ना भाई डिस्टर्ब। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, अगला रोग आता है सरसों का, और सरसों का कौन सा रोग मैंने आपको बताया, अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो यार, गलती हो गई, माफ कर दो, मिटा दिया मैंने यहाँ का, ठीक है। बात करते हैं अगले रोग की, और अगला कौन सा आता है भाई बाल को, फटाफट कमेंट करो, 5वें नंबर का है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, क्या नाम है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है। तो ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस कहां पर, बोर्ड पर, पूरा का पूरा फोकस कहां पर, बोर्ड पर, कौन से नंबर का है, 5th नंबर का है। नाम क्या है, तो सर नाम है इसका व्हाइट
रस्ट ऑफ मस्टर्ड मतलब वापस क्या आ गया, वापस आ गया रस्ट मतलब रोली आ गया, और कलर कौन सा हो गया, देखो कलर हो गया इसका व्हाइट। तो सीधी सी बात है कि रंग कैसा होगा, सफेद रंग का होगा, और ये होता है पैथोजन की अगर मैं बात करूं हिंदी में बोलते हैं इसको सफेद रोली, क्या बोलते हैं हिंदी में लिख लेना भाई सफेद रोली। अब ऐसे मत बोल देना कि सर हिंदी में पढ़ाओ, कई बार क्या होता है जैसे मैं भूल जाऊंगा ना सफेद रोली नहीं लिखूंगा तो बवाल मच जाएगा और बोलेंगे कि सर हिंदी में भी लिखो, हिंदी में भी लिखो। यार बेटा इतनी हिंदी तो आती होगी, व्हाइट रस्ट मतलब सफेद रोली, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, तो लिख लो सरसों का सफेद रोली रोग या सफेद रोली, ठीक है शॉर्ट में लिख लो आप, तो सफेद रोली शॉर्ट में लिख लो आप, तो सफेद रोली होता किसके द्वारा है। बात करते हैं पैथोजन की, क्योंकि पैथोजन की ही तो कहानी है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। पैथोजन है अल्बुगो, कौन है अल्बुगो कैंडिडा, अल्बुगो कैंडिडा, अल्बुगो कैंडिडा, अल्बुगो कैंडिडा, इसके द्वारा ये रोग होता है, बिल्कुल अच्छे से याद आपको रखना है। और इसमें क्या होगा, इस रोग में क्या होगा, तो देखो यार नाम से पता चल रहा है व्हाइट रस्ट मतलब इसको छोड़ दो, किसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो मतलब जड़ को छोड़कर मस्टर्ड का जो पौधा होता है उसके सभी भागों पर व्हाइट रस्ट जमा हो जाएगी। समझो ध्यान से, सरसों की साग किस किसने खाई है पहले तो मुझे ये बताओ आप। ये सरसों की पत्ती है, क्या है सरसों की पत्ती, ठीक है सरसों, सरसों के खेत देखे हैं आप लोगों ने, सरसों के खेत में फ्लावर कौन से पीले कलर के होते हैं, तो सरसों की जो पत्तियां होती है उस पर वाइट 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 धीरे 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 करके सफेद रोली जमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी धीरे धीरे करके सफेद रोली जमा हो जाएगी, इसीलिए इसको मस्टर्ड का व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड बोला गया है या सरसों का सफेद रोली रोग बोला गया है। तो कौन सी, सफेद रोली जमा हो गई, सफेद रोली जमा हो गई, याद रखना रूट को छोड़कर सबके ऊपर। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है मुख्य सिम्टम, पत्ती के ऊपर सफेद सफेद पाउडर जैसा आपको दिखने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लेना सफेद रोली, या इसको ऐसे भी बोलते हैं सफेद चूर्ण पाउडर, ठीक है ना व्हाइट पाउडर, इंग्लिश वाले बालक लिखो रे भाई व्हाइट पाउडर जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा व्हाइट पाउडर जैसा हमें दिखाई देगा, ये इस रोग का मुख्य सिम्टम है। बात कर लेते हैं हम यहां पर किसकी, आपके दोस्त रवि की, और बुलाओ आरवी को, किसको बुलाओ आरवी को, और आरवी के लिए हम लेंगे क्रांति, लेंगे क्या लेंगे क्रांति, और क्रांति क्या है, यह एक वेराइटी है जिसमें रोग नहीं होता है, क्रांति है टीएम 20 है, इसके अलावा आरएन 510 है, आरएन 510 है, इसके अलावा पीबीएन 2001, पीबीएन 2001 है, इसके अलावा 2002 है, इसके अलावा 2003 नहीं है 2004 है, जिस तरीके से वो 72 सिंह 73 सिंह 74 सिंह होता है ना, उस तरीके से यहां पर 2003 नहीं है, याद आया भाई खिलाड़ी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। बात कर लेते हैं कंट्रोल किससे करेंगे, तो कंट्रोल के लिए आप बाविस्टीन 0.3% का स्प्रे करें, क्या करें भाई लिख लो यहां पर कंट्रोल के लिए, कंट्रोल और कंट्रोल में लिखना बाविस्टीन, कौन सी टीन, बाविस्टीन 0.3% का स्प्रे करना है, या फिर इसके अलावा आप क्या ले सकते हो वीरियो या वरिडोमिल ले सकते हो या एप्रोन ले सकते हो, बट आप यहां पे याद रखें क्या बाविस्टीन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो, समझ में तो आ रहा है ना बालकों और बालिकाओं, अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, और बिल्कुल अच्छे से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और बिल्कुल अच्छे से एंड तक बने रहो, क्योंकि सिलेबस लंबा है टाइम कम है, पूरा करवाना है, ठीक है ना, मैं जितना होगा उतना मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम तक, पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक हम यहां पर पढ़ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला कौन सा आता है, बस दो रोग और हैं, एक तो ब्लाइट क्यूमिन है और एक पाउडरी मिल्ड्यू है, कौन सा है ब्लाइट क्यूमिन एंड पाउडरी मिल्ड्यू, हेडिंग डाल लो भाई फटाफट जल्दी से, ब्लाइट क्यूमिन क्या डालोगे,
ब्लाइट कुमिन कौन से नंबर का है? आई थिंक 6 नंबर का है. कौन से नंबर का है? 6 नंबर का है ब्लाइट ब्लाइट कुमिन. और यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसका जो पैथोजन है, इसका पैथोजन आप लोगों को बताना है. किनको बताना है? आपको बताना है. यहां पर इस रोग की बात करता हूं तो सबसे खतरनाक रोग है. क्या है? सबसे, जीरे का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? तो ब्लाइट है सबसे खतरनाक रोग. इसमें क्या होता है? इस रोग के अंदर पत्तियों पर और तने पर, ठीक है ना, सिम्टम्स की बात करें, किसकी बात करें? सिम्टम्स की बात करें तो पत्तियों पर, सपोज करो ये है पत्ती. क्या है? ये पत्ती है और इस पत्ती पर, इस पत्ती पर क्या होगा? धब्बे बनेंगे. क्या बनेंगे? धब्बे. और धब्बे कैसे बनेंगे? सफेद रंग के, सॉरी भूरे रंग के. कैसे बनेंगे? भूरे रंग के धब्बे बनेंगे. किस पर? पत्ती पर भी बनेंगे प्लस तने पर भी बनेंगे. तना और पत्ती दोनों पर क्या बनेंगे? भूरे रंग के धब्बे बनेंगे. और ये ब्लाइट कुमिन सबसे खतरनाक रोग है. कंट्रोल के लिए आप क्या ले सकते हो? इसके कंट्रोल के लिए आप ले सकते हो कौन सा? जेब. मैनको जेब कितना? 0.3% का आपको क्या करना है? स्प्रे करना है. तो हमने कितने रोग पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए. आगे बात करते हैं अगला, लास्ट. और अगला कौन सा आता है? अगला कुमिन का आता है. और मोस्ट इंपोर्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुमिन. क्या लिखोगे? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुमिन मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? पाउडरी 7 नंबर पे, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन. अब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे छाछिया रोग. छाछिया रोग, छाछ देखा है किसी ने? छाछ पिया भी होगा, ठीक है ना, ठंडक पहुंचती है. तो छाछिया रोग में क्या होता है? छाछ जैसा पाउडर जमा हो जाता है, मतलब सफेद पाउडर आपको दिखाई देगा. कैसा पाउडर दिखाई देगा? पत्तियों पर सफेद पाउडर नजर आएगा. और इसको देखो, छाछिया रोग के अलावा इसका एक और नाम है चूर्ण आसिता. क्या नाम है? चूर्ण आसिता नाम से भी कई बार ये रोग पूछ लिया जाता है. बात करते हैं पैथोजन की. किसकी बात करते हैं? बालको भाई कहानी सुनो बिल्कुल अच्छे से. इसका पैथोजन है इरिसाइपी पॉलीगोनी. कौन सा है? इरिसाइपी, इरिसाइपी पॉली पॉलीगोनी नामक कवक के द्वारा होता है. इरिसाइपी, इरिसाइपी पॉलीगोनी नामक कवक के द्वारा यह रोग होता है. और मुख्य सिम्टम्स, तो सिम्टम्स की कहानी कुछ इस प्रकार है. यह है पत्ती और पत्ती पर यह देखो व्हाइट 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 कलर, व्हाइट व्हाइट कलर. धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? छाछिया रोग फैलेगा. और ये देखो फैल रहा है, फैल रहा है बहुत तेजी से, पूरी पत्ती पे फैल गया, मतलब सफेद चूर्ण जमा हो गया. कहने का मतलब है, बोलोगे बालक की सर आप तो ब्लैक चूर्ण जमा कर रहे हो, बट यार फिर दिखेगा नहीं. तो समझना ये सफेद चूर्ण है. क्या है? तो पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमा हो जाएगा. ये इस रोग का मुख्य सिम्टम है. ये रोग किसके द्वारा होता है? तो स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पहले पूछा गया है. इरिसाइपी पॉलीगोनी नामक कवक के द्वारा होता है. मुख्य सिम्टम्स सफेद चूर्ण पत्तियों पर जमा हो जाएगा. कंट्रोल के लिए, तो इसके कंट्रोल के लिए आप देखो क्या लोगे? केराथेन ले सकते हो. क्या ले सकते हो? केराथेन. केराथेन कितना लेना है? 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से. केराथेन 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको क्या करना है? प्रयोग करना है. और इसको बोलते हैं व्हाइट पाउडर. द एंड. आई होप आपको आज के सारे रोग बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कोई भी डाउट है इन रोग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा. आप कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा. कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं है बाय बोल के जा रहे हो. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना. वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना. जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. ध्यान दो यहां पर. इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और उसे भी सब्सक्राइब करवाना. इसके अलावा जिन्होंने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है
प्लीज फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। तो गाइस आप वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कंटिन्यू यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासें भी लग रही है, आप बिल्कुल अच्छे से देखते रहे क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम नजदीक है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं।